बड़ी खबर बता दें कि रांची में सीएम आवास पर भी हलचल बढ़ गई है। 3 टूरिस्ट बस सीएम आवास में मौजूद हैं। बस से राजभवन जा सकते विधायक, डीआईजी और आईजी सीएम आवास पर मौजूद हैं, मुख्य सचिव भी सीएम आवास पर मौजूद हैं। ये इस वक्त की एक और बड़ी खबर, बस से राजभवन जा सकते विधायक। एक बार दीपक रावत, दीपक आपसे जानना चाहेंगे कि टूरिस्ट बस यहां पर जो मौजूद है, कितने विधायक यहां पर मौजूद हैं और मुख्यमंत्री आवास से जो राजभवन है वो इतना दूर तो नहीं है कि बस की भी जरूरत पड़ जाए यहां पर जाने के लिए। क्या स्थिति, ये जो बसें आई हैं क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? जी मैं आपकी जानकारी को दे दूं, जो ये गेट आपको दिख रहा है इसी गेट से वो 3 टूरिस्ट बसें करीबन 2 घंटे पहले अंदर गई थी। एक एक करके बसें गई हैं और जब ये बसें गई अंदर उसके साथ साथ विधायकों का एक बड़ा काफिला भी अंदर गया, जिसमें विधायक अपने साथ पूरे साजो सामान के साथ यहाँ पर पहुंचे थे। तो ये माना जा रहा है कि अब कुछ ही देर में, क्योंकि पहले ये मांगा गया था 7:50 का समय कहा गया था कि विधायकों की तरफ से कि वो राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने उस पर इनकार कर दिया और ये कहा जा रहा है कि 9 से 9:30 बजे के बीच का वक्त होगा जब यहाँ पर वो पहुँचे उनसे मुलाकात करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, हलचल लगातार बढ़ती जा रही है। ये मैं गेट के भीतर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ और ये आप देखिए कि बस की लाइट जल गई है, इसका मतलब बसें किसी भी वक्त बाहर निकल सकती हैं और इन बसों में सवार होकर तमाम विधायक जो हैं वो राजनिवास तक पहुँचेंगे। जो बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है, यहाँ से करीबन 1 किलोमीटर की से कम की दूरी है और वहाँ पर इनको पहुँचना है, लेकिन बसों को यहाँ पर पहले से अरेंज किया गया है। तो पूरी तैयारी के साथ बड़ा शक्ति प्रदर्शन बताया जा रहा है कि इनकी तरफ से किया जाएगा। महागठबंधन के तमाम विधायक जो हैं वो होंगे और ये बस निकलनी शुरू हो गई है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं कि काफिला जो है वो धीरे धीरे निकल रहा है, आगे बढ़ रहा है। तो इसी आप बताते रहे इस काफिले के बारे में, लेकिन क्या इन बसों में तमाम विधायक मौजूद हैं? कितने विधायक अंदर गए थे, क्या इस बारे में कोई जानकारी? और बिल्कुल आप इस काफिले को फॉलो करिए, आप बोलते रहिए दीपक। जी रोहित जी, कुछ पूर्व विधायक भी आए थे, न सिर्फ विधायक बल्कि पूर्व विधायकों को भी यहाँ पर जमा किया गया था। सत्ता पक्ष के जितने विधायक 48 के 48 तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चाहे वो जेएमएम के हों, चाहे कांग्रेस के हों, आरजेडी का हो या फिर तो दूसरी पार्टी का हो, तमाम विधायक यहाँ पर मौजूद हैं। और यहाँ देखिए बसों की लाइट जल चुकी है, यानी कि एक एक करके आप विधायकों को इनमें बैठाया जाएगा। पहले ही ये कह दिया गया था कि बसें विधायकों के लिए बुलाई गई है। वो जब बसें यहाँ पर पहुँची उस दौरान कई विधायक भी यहाँ पर पहुँचे थे, जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि बसों में बैठकर ही राजनिवास तक जाएंगे। तो 7:50 का समय मांगा गया था, उस पर राज्यपाल ने मना कर दिया, कहा कि थोड़ी देर बाद मिलेंगे। तो 9 से 9:30 बजे के बीच का वक्त है, हालांकि अभी इसमें समय है, लेकिन पहले ही विधायक वहां पर पहुंचेंगे, जमा होंगे। शक्ति प्रदर्शन की बड़ी बात कही गई थी, लेकिन अब बात यह भी आ रही है कि एक नया नेता जिसके नाम पर अगर मुहर लगी है तो उस नाम को भी वहां पर रखा जा सकता है। वो नाम कौन होगा, कल्पना सोरेन होगा, चंपत होगे, ये तय बाद में होगा, ये बाद में जानकारी ऑफिशियल मिल पाएगी। लेकिन अभी तक की जो हलचल बड़ी है उसके मुताबिक आप ये देखिए कि तमाम जो गाड़ियां हैं वो वहां पर तैनात हैं। 3 बसें जिस तरीके से हमने पहले इस गेट से जाते हुए दिखाई थी वो बाहर आने के लिए तैयार खड़ी हैं। तमाम विधायक सुबह से ही यहां पर आना शुरू हो गए थे, सिर्फ विधायक ही नहीं, सांसद, कार्यकर्ता, कई तरह के बड़े लोग, पार्टी के जुड़े बड़े नेता यहां पर पहुंचे थे और एक एक करके सबसे यहां पर बैठक करते रहे। सुबह जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने ये कहा कि मुख्यमंत्री का मनोबल बढ़ाने के लिए यहां पर मौजूद रहेंगे। बस चलती हुई दिख रही है दीपक, कितनी दूरी है मुख्यमंत्री आवास से राजभवन के बीच की? और ये बसों का काफिला एबीपी न्यूज पर एक्सक्लूसिव आप देख सकते हैं कि ये बसें जो हम अभी खबर दे रहे थे दीपक, और देखिए इन बसों में कौन कौन मौजूद है। जी बिल्कुल बसों का काफिला निकल चुका है, तमाम लोग आपको नजर आ रहे हैं। देखिए एक एक करके आपको ये बसें बाहर निकलती हुई विधायक उसमें नजर आ रहे हैं, जेएमएम के विधायक हैं, कांग्रेस के विधायक हमें दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए ये दूसरी बस निकली है, दूसरी बस विधायकों से भरी हुई, ये दूसरी बस और ये तीसरी बस भी यहाँ से निकली है। 3 बसें जो कि अंदर गई थी टूरिस्ट बसें, वो तीनों बसें निकल गई हैं। इनके पीछे पीछे हम जाने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा दूरी यहाँ से है नहीं, लेकिन यहाँ से राजनिवास तक करीबन 1 किलोमीटर का सफर है जो इनको तय करना है। और तमाम दूरी के बीच ये लोग यहाँ से आगे बढ़ते हुए, बसों में सभी विधायक हैं, अभी पूरी संख्या बल यहां पर मौजूद है और इसी की पूरी प्लानिंग की गई थी। ये प्लानिंग आज की नहीं है रोहित जी, ये कल ही प्लान कर दिया गया था। कल विधायक दल की बैठक जब हुई थी तो उसमें तमाम रणनीति तय कर दी गई थी कि कल ही इस तरह की रणनीति होगी। अगर आगे जाना है, आप तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगा अपने कैमरामैन को, सुनिए आप तस्वीर दिखाएं किस तरीके से बसें जो है वो आगे बढ़ रही हैं। तो तमाम काफिला जो है वो आगे बढ़ चुका है, कोशिश ये की जा रही है कि लगातार जो है वो दबाव बनाने की, ये बताने की, जिस तरीके से कल भी जेएमएम के कई सारे विधायक ये कह रहे थे कि बीजेपी का जो षड्यंत्र है उसे कामयाब नहीं होने देंगे, कोशिश रहेगी कि हम अपना संख्या बल सामने रखें, राज्यपाल के सामने रखें और राज्यपाल से ये कहें कि
कोई सरकार में कोई कहीं अड़चन नहीं, कोई टूट नहीं है। हम लगातार कोशिश करेंगे कि इन बसों का पीछा कर सकें। तो ये तीनों बसें अब आगे जा चुकी हैं और संभवतः अब जल्दी ही राजनिवास के भीतर प्रवेश करेंगी। तो ये तस्वीरें आपने देखी कि किस तरीके से जो रणनीति कल तय की गई थी कि अगर गिरफ्तारी के संकेत मिलते हैं, गिरफ्तारी होने की खबर मिलती है, तो इस तरीके से एक दबाव बनाया जाएगा। एक नंबर गेम की जो बात की जा रही थी, वो नंबर और संख्या जो है वो राज्यपाल के सामने रखा जाएगा और राज्यपाल को बताया जाएगा कि कोई सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, स्टेबिलिटी है, सारे विधायक एक साथ हैं, एकजुट हैं। और इन्हीं सरकार अगर नया मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, नया मुख्यमंत्री का नाम अगर तय कर लिया गया है, जिस पर कल मुहर लग गई है, जिस पर हेमंत सोरेन की आखिरी मुहर लगी है, उस नाम को भी आज राज्यपाल के सामने रख दिया जाएगा। तो ये देखिए, ये राजनिवास का रास्ता जाता है जहाँ से तीनों बसें गुजरी हैं। काफ़ी बड़ा काफिला भी है, पूरे जगह को बैरिकेड कर दिया गया था, सुबह से ही बैरिकेड किया गया। धारा 144 राजनिवास के बाहर, सीएम आवास के बाहर लगातार लगा दी गई थी और इन बसों के पीछे पीछे भी इस वक्त हम लोग चल रहे हैं कि कहां पर किस तरीके से ये लोग मुलाकात करेंगे। हालांकि मुलाकात का समय 9 से 9:30 बजे के बीच का है, लेकिन लगातार जो है वो काफिला आगे बढ़ रहा है और वहां पर ये तमाम लोग इकट्ठा होंगे और वहां पर मुलाकात की जाएगी। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज़ में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से दीपक ये विधायक सीधे राजभवन गए हैं या इन बसों में सवार होके या उससे पहले कहीं और जा रहे हैं या सीधे राजभवन के लिए निकले, क्या जानकारी अभी मिल पा रही है? क्योंकि आप इस काफिले के पीछे हैं, अगर आपके पास जानकारी है। जी, अभी तक जो अंदर से जानकारी मिली है वो ये क्या कह रहे हैं कि ये एक तरीके से पहले से ही प्लान था कि अगर गिरफ्तारी के संकेत मिलते हैं तो इस तरीके से तमाम विधायकों को इसीलिए यहाँ पर सुबह से जोड़ने की कोशिश की गई थी, उनको जोड़ा जाएगा। मैं तस्वीर भी आपको आगे दिखाता रहूँगा किस तरीके से जो है इसी रास्ते से काफिला आगे बढ़ा है। तो यहाँ पर यह कहा गया था कि यहाँ पर राज्यपाल के पास जाएंगे, क्योंकि राज्यपाल की तरफ से भी काफ़ी सारी टिप्पणियाँ पिछले कई दिनों से की गई हैं। रोहित जी, मैं आपको ये भी कह दूँ, राज्यपाल ने जब हेमंत सोरेन दिल्ली से गायब हो गए थे उस दौरान उन्होंने कहा था कि एक मुख्यमंत्री इस तरीके से गायब हो जाता है, 30 घंटे से ज़्यादा वक्त तक गायब रहता है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।